कोरोना वायरस ने हम सबको अपनों से दूर कर दिया। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम और आप सभी इस वायरस को झेल रहे हैं और पिछले कई महीनों से इस महामारी से गुजर रहे हैं। लेकिन अब त्योहारों का सीज़न है, तो ऐसे में वो कहते हैं ना कि त्योहारों का मज़ा अपनों के साथ आता है, तो इस अपनों के साथ को बरकरार रखा जाए, अपनों के साथ को बनाया जाए और त्यौहार अपनों के साथ मनाया जाए, इसके लिए सरकार ने और ख़ास तौर पर रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। तो खबर ये है कि 196 जोड़ी यानी कि 392 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है और ये त्यौहार स्पेशल ट्रेन होंगी जो चलेंगी, जिसमें आप अपनों से मिल सकते हैं, उनके पास उनके साथ रहकर त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन हाँ, पैंडमिक का दौर है, कोरोना वायरस है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जिनका बहुत बारीकी से आपको ख्याल रखना होगा। और साथ ही साथ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि अगर आपने ज़रा सी चूक की, यानी अगर किसी भी रूल्स को वॉयलेट किया, तो उसका सीधा सीधा असर ये है कि आपको सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। रूल्स बहुत सिंपल हैं, पैंडमिक को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह की तमाम चीज़ों को इन रूल बुक में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी, यानी जब आप रेल यात्रा करेंगे तब इन सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा। पहला मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। यानी अगर किसी भी तरह के कोई लक्षण होते हैं, भले ही आप एसिम्प्टोमेटिक क्यों ना हो, तो आपको यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ना तो आप रेलवे स्टेशन में अंदर जा सकते हैं, उस प्रमाइसिस में घुस सकते हैं, और ना ही ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं आप जा सकते हैं। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड होनी चाहिए, तभी आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर रेलवे ने कुछ प्रोटोकॉल्स भी जारी किए हैं। और इसके साथ ही साथ रेलवे प्रशासन ने, अब जाहिर सी बात है क्योंकि कोरोना काल है, तो ऐसे में रेलवे पुलिस को बहुत खास ख्याल लोगों का रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन हमें और आपको रखना होगा। और ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो शायद स्कूल कॉलेज में हम लोग को सिखाई जाती है, जो शायद बचपन में माँ बाप हम लोग को ये चीज़ें सिखाते हैं, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर आपको थूकना नहीं है, अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो फिर आप पकड़े जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि गंदगी आप नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि ये इस तरह के कुछ कृत्य हैं कि अगर आप ये करते हैं तो इससे कोरोना महामारी या फिर कोरोना फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अपने आसपास आपको सफाई रखनी होगी। अब सुनिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो क्या हो सकता है। तो ऐसे में पहली बात जुर्माना, दूसरी बात जेल तक की सज़ा आपको हो सकती है, ये इसमें ऐड ऑन किया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि अगर आपने इस तरह के किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो धारा 145 यानी इसमें वो धारा आती है कि नशे में अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर किसी तरह का ट्रेन में उपद्रव फैला रहे हैं, तो उसके तहत 1 महीने की कैद हो सकती है। इसके अलावा धारा 153 जिसमें जानबूझकर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात हो रही है, इसमें 5 साल तक की कैद है और जुर्माना भी इसमें लग सकता है। अब इसमें वो पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा सीधे सीधे कि आपको पता था कि आपकी रिपोर्ट पेंडिंग है और बावजूद इसके आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इसमें वो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। धारा 154 जिसमें लापरवाह कृत्यों से अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैद के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। तो सफ़र कीजिए, त्यौहार मनाइए, लेकिन कोरोना काल है, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी और समाज का भी ख्याल रखिए। इसकी जिम्मेदारी आप पर है।